धीरज गुप्ता जी और यहाँ पे बैठे हुए सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, डिप्टी मेयर साहब और सब लोग, ये बहुत खुशी की बात है कि आज इसका शिलान्यास किया जा रहा है, लॉजिस्टिक्स का इंतजाम करेगा ये। इसकी महत्व चैम्बर के लोग समझते होंगे, शायद बाकी लोगों को ये समझ में नहीं आता हो कि ये ट्रांसपोर्ट यार्ड से क्या फायदा होने वाला है। तो मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा कि लॉजिस्टिक्स का जो कॉस्ट है इंडिया में थोड़ा ज्यादा है और उसको कम करने की जरूरत है, और लॉजिस्टिक्स को कम कॉस्ट को कम करने से इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी कि आर्थिक गतिविधियों को गति मिलती है। तो जम्मू में, चूंकि ये जम्मू प्रोविंस का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट का लॉजिस्टिक बनेगा, तो इसकी अपनी महत्व है और जम्मू पूरे सूबे की आर्थिक प्रगति में मदद करेगा। तो देखने में शायद ये लोग ये शायद रिलेट नहीं कर पाए, लेकिन अगर आप दुनिया में बहुत सारे बड़े बड़े देश हैं जिनकी इकोनॉमी ही लॉजिस्टिक्स पर डिपेंड करती है, जैसे अगर आप सिंगापुर ले लें तो वो है क्या, क्योंकि लॉजिस्टिक्स है, शिप्स आती हैं जाती हैं वहाँ पे, लॉजिस्टिक्स के हैं, तो वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमी जरूर। तो इसकी बहुत महत्व है और 6 महीने में पूरा करेंगे ऐसा मुझे यकीन है। और ये बहुत अच्छी बात है कि आज इस लॉजिस्टिक पार्क का शिलान्यास लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के हाथों से हो रहा है, और जैसा कि आप लोग देखते आए हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जब कुछ फाउंडेशन करते हैं तो कंप्लीट भी होता है टाइम से ही, तो मुझे यकीन है कि ये टाइम से कंप्लीट हो जाएगा और बहुत जल्दी शहर को मिल जाएगा। 2-3 बातें कहकर मैं अपनी बात खत्म करना चाहूँगा। हम लोग को एक आदत पड़ गई थी पहले की चलता है कल्चर था हमारे बीच में, सब कुछ चलता है, गंदा है तो चलता है, काम धीरे धीरे हो रहा है चलता है, हम लोग को किसी बात से कोई तकलीफ नहीं होती थी। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि जम्मू शहर को कंट्री के सबसे साफ शहरों में शामिल करना चाहिए हमें, और इस काम को हमें 3-4-5 महीने में पूरा कर लेना चाहिए। अगर हम जम्मू के टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, हम लोग बहुत बार बात कर चुके हैं कि सुरिंदर, मानसर, अखनूर, सुचेतगढ़ और आसपास में जितने भी इलाके हैं जैसे बनी, सर्कल, भदरवाड़ा वगैरह वगैरह, टूरिज्म के लिहाज से एक बात याद रखिए कि जम्मू में इस साल 1.5 करोड़ लोग आए थे। ये जब से आंकड़ों की गिनती वाकई में होती है, पहले तो लोग कागज में लिखते थे, भगवानी मालिक था क्या लिखते थे नहीं लिखते थे, अब तो आंकड़े गिनती होते हैं। हमारे अपने रिकॉर्ड में जब से रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है सबसे ज्यादा लोग आए थे और अगले साल और गए। जम्मू को टूरिज्म के लिहाज से बहुत आगे ले जा सकते हैं हम लोग, और उसके लिए जम्मू शहर का अपना एक महत्व होगा। तो जम्मू शहर को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में उभारने के लिए जो भी किया जा सकता है किया जा रहा है। जम्मू शहर को कंट्री के सबसे बेहतर शहरों में शामिल करने के लिए बहुत दिन नहीं लगाना चाहिए और उसको कर लेना चाहिए। आज़ादी का अमृत महोत्सव में अमृतकाल शुरू हो चुका है, अमृतकाल में जम्मू शहर कैसा दिखना चाहिए वो आप लोग खुद तय करें, लेकिन कुछ हो रहा है जो जम्मू जो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा, जी साहब उसका उद्घाटन करेंगे जल्दी, और एक हाउसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च होगा बहुत सालों के बाद में, जो बहुत जल्दी लॉन्च होगा, वहाँ पे भी बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट आएंगे और वो बहुत जल्दी लॉन्च होगा। लेकिन अमृतकाल में चलता है कल्चर पे हमको नहीं चलना है, सफाई हो तो ऐसी हो कि दुनिया याद करे कि ऐसी सफाई होती है, खूबसूरती हो तो ऐसी हो कि लोग याद करें कि खूबसूरती है। अभी आपने पुलों पे लाइट लगाई है, आप लोगों ने से कुछ लोगों ने देखा होगा, तो शहर को एक नए आयाम से हमें ले जाना पड़ेगा और इसके लिए हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए और सबको मिलजुल के करना पड़ेगा। और 2-3 छोटी और बातें मैं अभी बात करूंगा, आगे बढ़ना है तो सबको मिल के चलना पड़ेगा, शिकायतों से हम आगे नहीं बढ़ते, पीछे चलते चले जाते हैं और निकलता कुछ नहीं। तो सब लोग मिलजुल के काम करें और इससे अच्छा रहेगा। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 2 चीजें अगर चल रही है तो कभी कोई भला नहीं होने वाला है। नशा एक रियल प्रॉब्लम है और आप लोग सबको, मैं हर बार जब भी मुझे मौका मिलता है लोगों से बात करने का तो मैं गुजारिश करता हूँ कि नशे के लिए बिल्कुल टॉलरेट नहीं करना चाहिए, ये चलता है कल्चर उसमें भी नहीं चलेगा। और भ्रष्टाचार मुक्त JNK बनाना भी हमारा संकल्प है, इसको हमें दोबारा से दोहराना पड़ेगा और सब मिल के काम करें। बाकी शहर में बहुत जल्दी बहुत और चीजें होंगी और अगले 1 साल तक तभी का काम पूरा हो जाएगा रिवर फ्रंट,
अपराज बन जाएगा, जीव बन जाएगा, आईएम तो चल ही रहा, आईआईटी चल ही रहा है, एम्स चालू हो जाएगा, एम्स जल्दी से जल्दी चालू होगा, तो बहुत सुनहरा भविष्य है। लेकिन अब हमको एक्सीलेंस की तरफ जाना चाहिए कि हम क्वालिटी में कहाँ पे हैं दुनिया में, किस जगह खड़े हैं, और कंपैरिजन हमारा जिस नए लेवल पे होना चाहिए। तो मुझे यकीन है कि हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट और जो जेडीए के लोग हैं और म्यूनसिपैलिटी के लोग हैं, खास करके रजिंद्र शर्मा जी और उनकी टीम, आप लोग मिल करके सबको जम्मू को इस बार जे एन के में जम्मू को और पूरे कंट्री में जम्मू को एक नया स्तर पे ले जाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। थैंक यू, थैंक यू सो वेरी मच सर। और अब हम निवेदन करते हैं श्री राजेंद्र शर्मा जी ऑनरेबल मेयर से कि वो सभा को संबोधित करें। मंच पर आसीन माननीय उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा जी, हमारे वर्दी चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी धीरेन गुप्ता जी, बीमकॉम रमेश कुमार जी, माननीय पार्षदगण और आप सभी महानुभाव, आप सभी जानते हैं माननीय उपराज्यपाल जी के दिशा अनुसार जम्मू में तीव्र गति से विकास हो रहा है। जिस ओर भी आप जाएं, आपको कुछ न कुछ नया काम होते हुए दिख रहा है। Education in its state-of-the-art institute and also providing an opportunity to the students to explore their careers across the globe. और रेन का एकमात्र उद्देश्य है युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्यूटी एजुकेशन देना। एडवांस डिप्लोमा इन एस्थेटिक एंड हेयर ड्रेसिंग की विदेशों में फी 12 से 5 या 6 गुना ज्यादा है, जबकि और रेन बेहद कम फीस में ये कोर्सेज करवा रहा है। In Orion, there is a student-friendly environment. Students have the freedom to think for themselves in training. Orion is the only institution where teachers are available whenever students need. An institution that provides hair, makeup, sikkim, nail art and mehndi courses so close to the students' home, that is actually a blessing. Different cultures, different challenges, more than 8,000 students are engaged. Earn while you learn. Orain produces thousands of beauty professionals who are today doing extremely well in their respective fields. So what are you waiting for? Join Orain Institute of Beauty and Wellness. NIST Institute of Beauty and Makeup, Fashion Designing,
hair dressing and nail extensions, now also in Gandhinagar, Jammu. State of the art infrastructure. Real-time practical and skill-based education and highly qualified trainers. NIST offers various courses in fashion designing, beauty and makeup, specially designed courses for hair cutting and hair designing. And also crash course for nail extensions. NIST encourages women's education, and our creative courses not only develop a woman's mindset and personality but also help her to attain positive thoughts. NIST offers all courses with affordable fee. Come, learn and exit with multidimensional career opportunities to come out in flying colors. NIST, the right choice for women empowerment. Admissions are open in beauty and makeup, fashion designing, hair dressing and nail extensions. NIST, 48D first floor near Greenfield School, Gandhinagar, Jammu, and Sidco Chowk, Axis Bank Building, Bari Brahmla.